तो इस भरी सभा में मैं हाथ जोड़कर क्षमा भी चाहता हूं।
विरासत को आगे बढ़ाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई है। ये मेरा सौभाग्य भी है और मेरे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती भी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके आशीर्वाद से उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर मैं अपना पूरा जीवन आपकी सेवा में समर्पित करूंगा। दादाजी ने भी युवा अवस्था में आदमपुर की सेवा की और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप सभी के आशीर्वाद से, दादाजी से प्रेरणा लेके उन्हीं का स्वर्ण और एक बार फिर आपके बीच मिलाने का मैं हर प्रयास करूंगा। आदमपुर आपका और हमारा घर है, और आज कुछ भारी और गलत लोग हमारे घर में प्रवेश करके इसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमने इनको रोकना है, क्योंकि हमारा घर मजबूत होगा तभी आप और हम मजबूत रहेंगे। और मुझे भरोसा है कि बहुत जल्द मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आदमपुर विकास का नया आगाज करेगा। तो इसीलिए मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि जो जो साथी हमसे नाराज है उसे मनाकर जात पात से ऊपर उठकर हम सभी ने एक बार फिर एक परिवार होने का सबूत पेश करना है। आशा, उम्मीद और अपेक्षा करता हूं कि आने वाले 3 नवंबर को अब कमल के सामने वाला बटन दबाकर आदमपुर की उन्नति और प्रगति के लिए मुझे आशीर्वाद देंगे, ताकि हम सभी साथ मिलकर स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी का स्वर्णिम दौर पर फिर आदमपुर में ला सकेंगे। और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि भरोसा है कि आने वाली 6 नवंबर को आप और हम साथ मिलकर एक बहुत ही ऐतिहासिक जीत आदमपुर में दर्ज करके मनोहरलाल जी की झोली में डालने का काम करेंगे। मनोहरलाल जी का, भाई दुष्यंत जी का और भाजपा जसपा के तमाम साथियों और नेताओं का आदमपुर की पवित्र धरा में पधारने का पर आभार व्यक्त करता हूं और प्रण लेता हूं कि मैं अपना एक एक कर्तव्य, एक एक दायित्व पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।